हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल। माय सेल्फ वेद विश्वकर्मा और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो कि था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो जिनमें से हम जो मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हीं के बारे में आज जो है पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कई टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें से हमें कुछ मेन केमिकल रिएक्शंस के ही बारे में पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बाद में जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद में जो है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस है, और लास्ट जो है रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टाइप के रिएक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो कि है कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता होगा कम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कंबाइन होना, बट अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो कम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट यानी कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए। तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो तो ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है जितने भी कम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं उसमें कई सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं, कुछ नई चीज़ का फॉर्मेशन होता ही है, इस वजह से इन्हें सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर कम्बिनेशन रिएक्शन की तो हमारे नेचर में कई टाइप की कम्बिनेशन रिएक्शंस होते रहते हैं। इनमें से एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स के द्वारा, जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो क्लोरोफिल अगर उनके पास में होता है तो वो क्या करते हैं सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन सभी को ले करके वो जो है CO2 में वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लूकोज का सिंथेसिस भी किस टाइप की रिएक्शन हो गई कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अदर एग्जांपल्स की बात करें कम्बिनेशन रिएक्शन में तो यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ एक मैग्नीशियम एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं प्रोडक्ट जो है केवल एक ही बन रहा है, इसीलिए ये टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो कार्बन होता है कोक जब उसको एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के CO2 गैस देता है, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और ये आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम थर्ड टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है यानी कि वाइट वॉशिंग के लिए जो चूना हम मार्केट से लेकर के आते हैं जब उस चूने को ला करके एक वाटर से भरी बकेट में डाल दिया जाता है कुछ देर के बाद क्या होता है कुछ देर के बाद में हम लोग देखते हैं कि बाल्टी जिसमें वो बकेट जिसमें कि चूने को डाला गया था वो जो होती है कुछ देर के बाद गर्म हो जाती है, और इस रिएक्शन में होता क्या है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में कंबाइन होकर के एक कंबाइंड प्रोडक्ट CaOH की होल ट्वाइस जो है देता है जिसे हम स्लैक लाइन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में भी
यहाँ पर कम्बिनेशन हो रही है, तो ये भी टाइप ऑफ जो है कम्बिनेशन रिएक्शंस है। ऐसे कई सारे रिएक्शंस जो है वो कम्बिनेशन रिएक्शन की होती हैं, जिन्हें हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि जस्ट अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। कम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है कई सारे प्रोडक्ट्स में। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट अगर कई सारे प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कंसिडर करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें, तो रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड, यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू आर मोर कंपाउंड और एलिमेंट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक से ज़्यादा या तो प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता हो, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में डिवाइड होता हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट बनते हैं प्रोडक्ट में, तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये अपोजिट होती है कम्बिनेशन रिएक्शन की, जहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए था, बट यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन है वो भी जो है किस टाइप की रिएक्शन है, वो भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। बट अदर एग्जाम्पल्स की बात करें, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ दिया हुआ है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन होता है, जब उसे हीट किया जाता है, तो हीट करने के बाद में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जैसे दो प्रोडक्ट्स में टूट गया है, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रही है। सेकेंड, अगर हम टाइप की सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जब इसको गर्म किया जाता है, तो ये भी डिकम्पोज हो रहा है। फेरिक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट है और कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये भी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, डिकम्पोजिशन के होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कई तरह से हम एनर्जी जो है रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को दे सकते हैं, तो उसके बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको तीन सब टाइप में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड अगर हम बात करें तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में रिएक्टेंट्स को दी जाती है, जिसके वजह से वो कई सारे प्रोडक्ट में टूटता है। तो इन्हें क्या कहा गया, इसीलिए इन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन कहा गया। थर्मल मीन्स होता है हीट, और डिकम्पोजिशन का मीन्स हो गया ब्रेकडाउन। तो अगर हीट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की बात करें तो लेड नाइट्रेट जो होता है, ये एक ब्लैक कलर का सॉलिड है। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तब बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में इसके बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके साथ में जो है ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हुआ है, और हीट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ है, इसलिए ये एक टाइप की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें, तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो बाई डेफिनेशन जो है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनको कराने के लिए अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिएक्टेंट्स को दी जाती है और उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी, एंड लिटिक
यानी कि एक वर्ड लिसिस से बना हुआ जो कि एक ग्रीक टर्म है। तो लिसिस मींस होता है ब्रेकडाउन। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल जो है वो है वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी वाटर मॉलिक्यूल में मतलब वाटर लेकर के एक बीके पे वाटर ले लीजिए और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करिए यानी कि एक बैटरी से दो रॉड को जोड़ करके प्लस और माइनस एंड से दो रॉड को जोड़ करके अगर उस बीकर के पानी में डाल दिया जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है और ये अपने एलिमेंट्स में टूट जाता है जिनसे मिलकर ये बना हुआ था, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो ये भी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अगर हम इसी में सेकंड एग्जांपल की बात करें तो NaCl, अगर मोल्टन NaCl लिया जाए, मोल्टन NaCl यानी कि अगर जो कॉमन साल्ट होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं घरों में, तो अगर उसको हीट किया जाए मोर देन 900 डिग्री सेल्सियस तो वो जो है मेल्ट हो जाता है। और जब इस मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस पर हमें जो है सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस जो है एनोड पर मिलती है। Cl2 कहाँ पर मिलती है? एनोड पर। और अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम मेटल जो है हमें कैथोड पर मिलती है। तो NaCl मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराने पर हमें जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में सोडियम भी मिला और साथ में जो है इसके हमें क्लोरीन गैस भी मिली। तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हुआ है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप के अगर डिकम्पोजिशन की बात करें तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट के थ्रू, लाइट जो एनर्जी है एक टाइप की उसके थ्रू अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, लाइट एनर्जी के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं या फोटोलिसिस भी इन रिएक्शंस को कहते हैं। फोटो मीन्स हो गया लाइट और लिटिक मीन्स यानी लिसिस से बना हुआ है, लिसिस मीन्स हो गया ब्रेकडाउन। तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में AgCl, जो AgCl है ये एक जो है वाइट कलर का एक सॉलिड है। AgCl जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये जो है ब्रेकडाउन होता है Ag में और साथ में Cl2 गैस जो है बाहर निकलती है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में जो है ब्रेकडाउन हो रहा है और इसकी वजह से लाइट की वजह से, इसलिए ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है क्योंकि इसी कंपाउंड का यूज AgCl एंड AgBr जैसे कंपाउंड का यूज किया जाता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन्हीं AgCl और AgBr का ही मिक्सचर लगा होता है और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है और जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है तो वहाँ वहाँ जो है डिकम्पोजिशन हो जाता है और AgCl के ब्रेकडाउन से मेटेलिक Ag बनता है। ये वाइट कलर का होता है बट जब मेटेलिक Ag बनता है तो इसका कलर ग्रे कलर का हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वहाँ वहाँ पर जो है हमें ग्रे कलर देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है फोटोग्राफिक प्लेट जो है लाइट के पड़ने पर काली हो जाती है, उनके जो ब्लैक होने का रीजन यही है। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एनर्जी के बेसिस पर था उसके बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। बताया गया है कि एक सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन वाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमें ये बताना है फर्स्ट नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। इस रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, एक टाइप की एग्जांपल में मैं इनको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कौन सा सब्सटेंस है
तो वाइट वाशिंग के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, इसका यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम इसका यूज किया जाता है वाइट वाशिंग में। सेकंड, अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो वो है ब्राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन एबव विथ वाटर, यानी कि इसी सब्सटेंस की रिएक्शन हमें वाटर के साथ में करानी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इसके रिएक्शन में जो है एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH की होल ट्वाइस। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें कोई एक एलिमेंट जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो वो किसी दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर दे रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट करेगा कौन, कोई तगड़ा व्यक्ति ही तो किसी दुबले पतले को डिस्प्लेस कर पाएगा, यानी उसकी जगह से अगर इस दुबले पतले व्यक्ति को अगर हमें हटाना है तो उसको हटाने के लिए कोई उससे तगड़ा व्यक्ति होगा तभी वो उसको वहाँ से हटा पाएगा। तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं अगर हम उनके डेफिनेशन की बात करें तो एक रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा यूज किया जाएगा और अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर व्यक्ति तगड़ा होगा तभी वो दुबले पतले व्यक्ति उसकी जगह से डिस्प्लेस कर पाएगा। उसी तरह से एलिमेंट भी रिएक्टिव होना चाहिए, जिसको कि डिस्प्लेस किया जाना है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। डेफिनेशन की बात करें, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। चूंकि यहाँ पर वो उस दूसरे मतलब लेस जो हाईली एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव वाले का प्लेस ले रहा है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक रिएक्टेंट ए है वो रिएक्ट करता है एक दूसरे रिएक्टेंट बी सी के साथ में। तो जब ए बी सी के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो बी है वो लेस रिएक्टिव है ए सर ए से, तो ए क्या करेगा, ए हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बी को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दे रहा है और उसकी जगह पे खुद आ गया। इस तरह से जो प्रोडक्ट बना वो ए सी प्लस बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर हुआ क्या है, ए ने बी को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक की रिएक्शन जब HCl के साथ होती है, यानी कि जब जिंक पाउडर को HCl एसिड में अगर डाल दिया जाए तो होता क्या है, यहाँ पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन H प्लस आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, HCl में से H प्लस को जो है लेस रिएक्टिव होने की वजह से डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा ZnCl2 और H2। यहाँ पर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। दूसरे एग्जांपल की बात करें अगर, तो सेकंड एग्जांपल में जिंक जो है वो यूज किया जा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ में। जब एक जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तो जिंक जो होता है वो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक हाई रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। बट ब्लू कलर किसका है, कॉपर सल्फेट का, एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ZnSO4, और ZnSO4 का जो कलर होता है वो होता है वाइट। तो जब ZnSO4 का फॉर्मेशन होता है इसके वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है और लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में जो है वो कलरलेस हो जाता है। यानी कि अगर हम वाटर में किसी भी वाइट सब्सटेंस को घोलेंगे तो ऑलरेडी जो है वो कलरलेस ही होगा, तो इस वजह से जो है ZnSO4 जो है
वो बनता है और सोल्यूशन कैसा रह जाता है, सोल्यूशन जो है कलरलेस रह जाता है। यहाँ पर इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है कि ए बी, पहले ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ में जुड़ा हुआ है और ये सी के साथ में रिएक्ट कर रहा है। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर ये जो है ए है, यहाँ पर जो है ये रेड कलर की जो बॉल दिखाई गई है वो ए है और जो बी है उसको भी दिखाया गया है। तो ए क्या करेगा, यहाँ पर ए जो है ए बी जो है सी के साथ में रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ए प्लस बी सी, यानी कि किसने किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस किया है जो है रिप्लेस किया है सी ने, किसको रिप्लेस किया है, सी ने जो है रिप्लेस कर दिया है ए को उसके प्लेस से। नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब हम एक आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज क्यों हो जाता है। इस टाइप के रिएक्शंस को बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका ब्लू कलर फेड हो जाता है क्योंकि वहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव था। और सेम उसी तरह से आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव होता है जिसके वजह से वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जो आयरन सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब एक आयरन की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो धीरे धीरे करके उसका ब्लू कलर जाने लगता है। और चूंकि स्टार्टिंग में बहुत कम ही FeSO4 का फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से जो ग्रीनिश कलर होता है वो उतना नहीं आ पाता और सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड हो जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर रहा है और FeSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जा रहा है। तो CuSO4 का कलर कैसा है, CuSO4 का जो कलर है वो है ग्रीन, CuSO4 का जो कलर है वो है ब्लू, FeSO4 का कलर क्या है, ग्रीन। तो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर उसके प्लेस से डिस्प्लेस करेगा और एक दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से इसका जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही होती है, बट यहाँ पर क्या होता है, पहले जो बना हुआ कंपाउंड था अगर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता तो एक अगर वो एक स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ सकता है, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है आयन के एक्सचेंजमेंट के थ्रू, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होने के बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और ऐसी रिएक्शंस को भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं टू दो रिएक्टेंट्स के बीच में और एक मोर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आपस में कैटायन और एनायन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि ए बी सी डी के साथ जब रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सी बी प्लस ए डी बन रहा है, यानी कि ए बी आपस में एक्सचेंज हो गए हैं सी डी से और इस तरह से एक न्यू कॉम्बिनेशन ए डी और सी बी का फॉर्मेशन हुआ है। एग्जाम्पल भी हम देखते हैं बी ए सी एल टू एंड एन ए टू एस ओ फोर, ये दोनों ही साल्ट हैं बट बी ए सी एल टू एंड एन ए एस ओ फोर ये दोनों इतने स्टेबल साल्ट नहीं है। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के बाद में एक स्टेबल प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है
जो कि पीपीटी के फॉर्म में नीचे जो है रिएक्शन में जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें नीचे की तरफ ये बैठ जाता है, यानी कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता और हमें दिखाई पड़ता है। तो बेरियम सल्फेट एक पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ और ये एक स्टेबल कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में फॉर्मेशन हो रहा है NaCl का, यानी कि यहाँ पर बेरियम के साथ पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ था, बेरियम के साथ पहले क्लोराइड आयन थे, बट एक्सचेंजमेंट के बाद में बेरियम के साथ में अब सल्फेट आयन आ चुके हैं जो कि बेरियम के साथ में ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से अगर पहले लेस स्टेबल प्रोडक्ट था तो उस वजह से एक रिएक्शन हुई, आपस में आयन का एक्सचेंज हुआ जिसके वजह से एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को हम मेटाथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है अक्सर उनमें एंड प्रोडक्ट जो होता है एक पीपीटी ही होता है, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के भी बारे में पढ़ा। तो आज हम लोगों ने कई टाइप के केमिकल रिएक्शन को जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए केमिकल रिएक्शंस के टाइप को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।